So hello guys, welcome to my channel Jeju's Fitness, learn about muscles. So basically आज आपने thumbnail देख लिया होगा accident का, right? So अब guys ये accident जो है कि क्यों होता है, कभी आपने सोचा है क्यों होता है? ये एक्सीडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि मसल इंबैलेंस है, मसल जो है आपकी वो इंबैलेंस हो जाती है, तभी एक्सीडेंट होते हैं। अब मसल इंबैलेंस क्या है, एक बार वीडियो देखो आपको सब समझ आ जाएगा और आप रेड भी करोगे इससे। सो सी द वीडियो। सो गाइस दिस इज द वीडियो, राइट? अगर आपके मसल इंबैलेंस है तो ये चीज आपको फेस करनी पड़ी होगी। कभी भी पुल वर्कआउट में आप जब भी पुल वर्कआउट लगाते हो तो एक हैंड से सही वेट उठता है और एक हैंड से नहीं उठता है, आप देख रहे होंगे। ऐसे ही पुश वर्कआउट में भी होता है, तो एक हैंड से तो आप अच्छे से वेट लगा लेते हो, पुल कर लेते हो, एट द अदर हैंड आप जब दूसरे हैंड से वेट लगाते हो तो एक या दो या तीन रैप कम निकलते हैं। ये होता है मसल इम्बेलेंस की वजह से, राइट? सो जैसे कि गाइस आपने देख ही लिया है वीडियो कैसे मसल इम्बेलेंस होता है। अब गाइस आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, कभी भी आप बेंच प्रेस लगाते हो ना, अगर आपके मसल इंबैलेंस है तो मैं बता रहा हूँ, कभी भी आप बेंच प्रेस लगाते हो तो एक साइड से तो उठ जाता है लेकिन एक साइड से नहीं उठता है, वो टेढ़ी हो जाती है रॉड, आपने नोटिस किया होगा, ये आपके साथ भी हुआ होगा। तो इसको कहते हैं मसल इंबैलेंस होना, राइट? अब मसल इंबैलेंस क्यों होता है? मसल इंबैलेंस होता है रॉन्ग पोजिशन से। कभी भी मतलब आपको पता नहीं लगता है लेकिन वो रॉन्ग पोजीशन लगती है और मसल इंबैलेंस होता है, फिर ऐसी चीजें होती है, फिर ऐसे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, समझ रहे हो आप? तो ये चीज है गाइस, कभी भी आपने नोटिस किया होगा गाइस, जैसे किसी का एक बाइसेप्स बड़ा है, किसी का एक बाइसेप्स छोटा है, किसी का एक चेस्ट एकदम साइज मतलब फॉर्म में है और एकदम करेक्ट साइज में है और एक चेस्ट थोड़ा कम है, आपने नोटिस किया होगा गाइस, तो समझ रहे हो? तो ये चीज होती है मसल इंबैलेंस, राइट? तो अब इसको सुधारा कैसे जाए, अब वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसको इम्प्रूव करने का तरीका कैसे है, कैसे आप अपना मसल इंबैलेंस सही कर सकते हो, तो वो आपको मैं अपने वीडियो में दिखाता हूँ कैसे आप अपना मसल इंबैलेंस सही कर सकते हो, तो देखो वीडियो में। सो गाइस मसल इंबैलेंस ठीक करने के लिए आपको वर्कआउट से पहले पुलअप्स और पुशअप्स के 3 सेट्स लेने एंड 10 रैप्स, ज़्यादा नहीं, पुलअप्स एंड पुलअप्स का सेट एंड हुआ, देन एट द सेम टाइम एट द अदर हैंड आपको पुशअप्स लगाने, वही 3 सेट्स एंड 10 रैप्स, ये आपके बहुत 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 हेल्प करेगा मसल इंबैलेंस को ठीक करने में, राइट? तो प्लीज़ ऐड दिस, ये वर्कआउट से पहले लगाने और, राइट? सो या गाइज, जिसको भी दिक्कत आती है पुलअप्स लगाने में वो ऐसे परफॉर्म कर सकता है पुलअप्स, वही सेम रैप एंड जिसके जिम में ये मशीन है, तो आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं चाहिए, आप बस अपना जो वेट है वो ऐड ऑन करो एंड पुलअप्स लगाओ इजीली। सो ये जिसके पास ये मशीन है वो इससे पुलअप्स लगा सकता है। अब गाइज अब आते हैं वेट ट्रेनिंग पे। अब जिस भी हैंड से आपके जो रैप्स है वो कंप्लीट नहीं हो रहे, उस हैंड से आपको कम वेट लेके रैप्स लगाने हैं, 3 to 4 or 4 to 5, राइट? मैंने तो सेम वेट से लगाए लेकिन आपको कम वेट से लगाने, राइट? ये तो होगी पुल की बात, अब होगी पुश की बात। पुश वर्कआउट में भी सेम, पुश जो वर्कआउट है उसमें भी सेम चीज़ होगी, जिस हैंड से आपके रैप कंप्लीट नहीं हो रहे उस वेट को रख के आपको न्यू वेट लेना है उससे कम, राइट? देन सेम हैंड से आपको 6 to 5 रैप एक्स्ट्रा लगाने और 4 to 5 रैप एक्स्ट्रा लगाने, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपके मसल इंबैलेंस में, राइट? सो अगर आपने देख ही लिया है आज का जो टॉपिक था मसल इंबैलेंस, ये कैसे होता है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ओके? एंड एक और चीज गाइस, अगर आप बिगनर्स हो या फ्रेशर्स हो और अगर आपको ये चीज प्रॉब्लम हो रही है तो गाइस अभी से इस प्रॉब्लम को ठीक कर लो, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है ये चीज ठीक करने का, क्योंकि बाद में फिर नहीं हो पाता है, आप समझ रहे हो? तो इसलिए बिगनर्स के पास तो टाइम है, अच्छा मौका है, आप ये ठीक करो अपनी जो भी है, जो भी आप मसल इंबैलेंस जो है वो अपना ठीक करो और करेक्ट पोजीशन से लगाओ, पोजीशन पे ध्यान दो गाइस, जो आप वेट पे ध्यान मत दो, पोजीशन पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि
ऑल अबाउट, सब चीज पोजीशन पे डिपेंड होती है गाइस। अगर पोजीशन ठीक है आपकी तो मसल भी अच्छा बनेगा, डेवलप भी अच्छा होगा और मसल इम्बेलेंस भी नहीं होगा, राइट। सो खत्म करते हैं आज के वीडियो को गाइस। अगर पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट करें गाइस। एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो मेरी भी वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बूम बाम एंड जय हिंद।